हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारी वैसे भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आपकी वीडियो हमारी कंपलसरी रेडी रहेंगी अकाउंट्स की, ठीक है। अकाउंट्स की मैंने लास्ट वीडियो जहां आपको छोड़ी थी, वो हमारा लास्ट पॉइंट था डिसॉल्यूशन का पार्टनरशिप में, ठीक है। मतलब क्या डिसॉल्यूशन, मैंने समझाया था आपको डिसॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हमारी पार्टनरशिप चल रही होती है और बीच में ऐसी बहुत सी बंदिशें आ जाती हैं कि अब हम अपनी पार्टनरशिप को बंद करनी होती है, या फिर हमने इतना किसी से कर्ज ले लिया, इतना किसी से हमने लोन ले लिया कि अब हम उसे चुकाने में असमर्थ हैं, या फिर हमने अपनी कंपनी पर लोन ले रखा, पार्टनरशिप पर लोन ले रखा जिसे अब हम पे नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन बोलते हैं। तो याद रखो इस चीज़ में क्या होता है, जब कभी भी कंपनी डिसॉल्यूशन होगी या फिर हमारी पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा, तो वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, जो भी हमारी एसेट्स होगी वो भी हमें बेचनी पड़ेगी, जो हमें लाइबिलिटीज़ है जो हमें लोगों को चुकाना, और वो भी चुकाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, जितनी भी एसेट्स होंगी यहाँ पे वो सोल्ड आउट हो जाएंगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन वन दे रखा, क्वेश्चन वन क्या कि राम, हरि और श्याम साझेदार हैं जो क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि इनका रेशो क्या दे रखा, 6:5:4। हमने क्या करा, हम यहाँ पर पहुँचे, हमने उसका रेशो लिख लिया कि रेशो तीन लोग हैं मेरे पास, कौन कौन, एक तो हमारा राम, दूसरा हमारा हरि, तीसरा हमारा श्याम, ठीक है। तो तीनों का कैलकुलेशन भी लिख ली, क्या राम को मिलता 6, हरि को मिलता 5 और श्याम को मिलता 4। अगर अब हम इनका सम करें तो 6×5=11 और 4 होते हैं 15, तो एक को मिल गया 6/15, हरि को मिल गया 5/15 और श्याम को मिल गया 4/15। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, जो कंपनी को चुकाना है वो किस रेशियो में, राम चुकाएगा 6/15, हरी चुकाएगा 5/15 और श्याम चुकाएगा 4/15, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्या कि यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ पहले ही फॉर्मेट बता रखा है। फॉर्मेट यहाँ पे अभी हम पीछे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, चाहे वो पार्टनरशिप से एडमिशन से रिलेटेड हो या उसके रिटायरमेंट से, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले रिवॉल्यूशन बनाते थे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, देन कैश अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन इसमें आपका पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। क्या चेंज क्या है कि सबसे पहले रियलाइजेशन बनेगा। रियलाइजेशन क्या होता है कि जो भी मैं अपनी एसेट्स को बेच के कितना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं लोगों को दे सकूँ। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वसूली खाता, कि मैं अपनी संपत्ति को बेचकर लोगों को कितना चुका सकता हूँ, ठीक। देन उसके बाद बनता है हमारा सेकंड पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल का, जिसमें हमारे पास यहाँ पे तीन पार्टनर मिल गए हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं आपके राम, तो हमने यहाँ पे हैंड टू हैंड नाम भी लिख लिए, राम है, हरी है और श्याम, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी क्या, राम भी है, हरी है और तीसरा कौन, श्याम, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे तीनों नेम आपको दे रखे हैं। उसके बाद हम तीसरा पार्ट पॉइंट बनाते हैं कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट भी बनाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। यहाँ पे जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारा कैश का काम करेगी। मतलब क्या, जब हमारा कैश इक्वल हो जाएगा तो हम सही हैं, और हमारा कैश इक्वल नहीं होता तो हम कहीं पर गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल जैसे अभी तक आप बनाते चल रहे थे वो, और उसके बाद कैश अकाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्या कि राम, हरि और श्याम साझेदार थे, राम एंड हरि एंड श्याम इज अ पार्टनर इन अ फर्म एंड इज रेशियो 6:5:4, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला, देखो मैं बता दूं एक चीज़, इस साइड को हम बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स, इस साइड होता है हमारा टू सन्ड्री एसेट्स, और इस साइड की बात करें अपोजिट साइड में तो होता है ये हमारी बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। वो होती है हमारी एसेट्स और ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। क्लियर, जितनी भी एसेट्स की, मैं बता दूं जितनी भी एसेट्स की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पाएंगी। कैसे, देखो एसेट्स में क्या क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या कि एसेट्स में मुझे बिल्डिंग दे रखी है कितने की, 30,000 की, तो मैंने उसे क्या करा, अंदर लिख लिया 30,000, ठीक है। उसके बाद मुझे बिल्डिंग के बाद मशीनरी दे दी क्वेश्चन में, मशीनरी का रेट है मेरा 22,500, उसे भी मैंने अंदर ही लिख लिया। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है तो फर्नीचर भी लिया और 3,000 यहाँ लिख लिया। इसके आगे 2 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 2 के अंडर में ही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में डेटर्स दे रखा है तो डेटर्स भी मैंने यहाँ लिख लिया 22,500 का। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है कितने का, 15,000 का, वो भी मैंने स्टॉक यहाँ पे लिख लिया 15,000 का। कैश के लिए क्या कि भाई कैश का तो हम अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को हमने कहाँ उठा के डाल देंगे, इस जगह, ठीक है। सॉरी, कैश को कहाँ जाते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, कैश को हम बैलेंस बना के चलते हैं जैसे अभी तक हम पिछले क्वेश्चनों में करते हुए चल रहे थे, ठीक है। तो टू बैलेंस BD के नाम से 4,500 रुपये हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे,
क्लियर। अब हमारी देखो एसेट साइड पूरी ख़त्म हो चुकी पूरी, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज साइड से, क्योंकि हम लाइबिलिटीज़ पे काम करेंगे। देखो लाइबिलिटीज़ में मैं बता दूं, अभी तक अगर सबने बच्चों ने क्वेश्चन करोगे तो सबको पता होता है ये कैपिटल कहाँ पर आती है, कहाँ पर आती है, पार्टनर्स कैपिटल के इस साइड में आती है। किस नाम से? बाय बैलेंस बी डी के नाम से। तो जो क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखी है सेम उठा के यहीं पे डाल देंगे, सेम क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हरी के हैं 30,000 और श्याम को देने हैं 18,750 उसके कैपिटल के, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल में है, लेकिन क्रिएटर्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है हमारी। तो मैंने क्या कहा, एसेट से सारी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर और लाइबिलिटीज से सारी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्रिएटर्स दे रखे हैं, कितने के दे रखे हैं, 11,250 के, उसे भी मैंने अंदर लिख लिया। क्लियर पॉइंट यहाँ था, मतलब क्या, जितनी भी एसेट्स हैं वो यहाँ लिख ली, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो इस साइड लिख ली। उसके बाद अगर कैपिटल है क्वेश्चन में तो यहाँ पहुँच गई, क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा कैश का या बैंक का उसे हमने यहाँ पहुँचा दिया, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में। आफ्टर देन क्या चलेगा, अब आप याद रखो कि क्या ये मेरी एसेट्स की वैल्यू है, और मेरी एसेट्स की वैल्यू अगर मैं इन सबका टोटल कर लूँ, सम कर लूँ, तो बैठेगा 93,000 की, और मुझे लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी है, 11,250 की, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद क्या कि इस एसेट्स को अब मैं अपोजिट साइड में लेके आऊँगा, कैसे, कि मैं यहाँ पे दिखाऊँगा किस नाम से, बाय कैश अकाउंट के नाम से, बाय कैश अकाउंट मतलब क्या, एसेट्स रियलाइज्ड। अब मैंने यहाँ पे अपनी एसेट्स को, जो भी मेरी संपत्ति है, मैं उसे बेच रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसेट्स बिकेगी तो मुझे भाई अपने लाइबिलिटीज़ भी तो चुकानी होगी, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया टू कैश अकाउंट क्या, लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस पेड, जो भी मेरी लाइबिलिटीज़ है या जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मुझे यहाँ पे पेड करने पड़ेंगे। कुछ टेंशन नहीं है, एसेट्स अब जितनी भी हैं वो उठ के इधर आ जाएंगी, लेकिन कैसे, नए रेट पर, वो मैं बताऊँगा नए रेट कहाँ पे। लाइबिलिटीज़ जो भी हैं वो उठ के इस साइड आ जाएंगी टू कैश अकाउंट लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस पेड में, वो कैसे, जो उसका नया रेट है। नया रेट क्या, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में क्या, अमाउंट ऑफ एसेट्स आर फॉलोइंग, जो भी अमाउंट्स हैं एसेट्स की वो फॉलोइंग है क्या। अब देखो बिल्डिंग यहाँ पे कितनी की हुई, 33,750, जबकि मेरी बिल्डिंग कितनी की थी भाई, 30,000 की। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे तो आप टेबल वाला काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडजस्ट वाला काम करेंगे, एडजस्टमेंट में जो चीज़ें दे रखी होंगी, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे बिल्डिंग हो गई कितने की, 33,750 की, जो अमाउंट है उसी अमाउंट को मैंने लिख लिया। देन उसके बाद मुझे दे रखा फर्नीचर, फर्नीचर मेरा अब कितने का हो गया, 2,250 रुपये का, जबकि मेरा था कितने का, 3,000 का। जो अमाउंट एडजस्टमेंट में है वो कैश के नाम से दिखा देंगे, जो अमाउंट टेबल में है वो उसे सेंटी एसेट्स के नाम से दिखा देंगे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद क्या है, डेटर्स दे रखा क्वेश्चन में कितने का, 20,625 का, इसे भी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरी के लिए। सेकंड क्या, सेकंड बोला टेक इन मशीनरी बाय राम 18,750, मतलब क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई मशीनरी जो थी वो उसने 18,750 की किसने ले ली, राम ने ले ली। आप इस चीज़ पे ध्यान रखना कि भाई कोई भी एसेट्स लेगा तो मुझे यहाँ दिखानी है, कोई भी लाइबिलिटीज़ लेगा तो मुझे यहाँ दिखानी है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगी, नया नया पॉइंट है, जब तक आप 3-4 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपकी समझ से थोड़ा सा आउट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या अब मैंने ये बताया आपको कि कोई भी चीज़ एसेट्स ले लूँगा तो मैं एसेट्स वाला पॉइंट तो ये चल रहा है ना यहाँ पे, एडजस्टमेंट में यहाँ पे चल रहा है एसेट्स वाला पॉइंट, लेकिन आप इतना याद रख लो अगर किसी ने भी ले ली तो हम इसके नहीं इसके ऊपर दिखा देंगे यहाँ पे। ऐसे लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ वाले सारे पॉइंट यहाँ चलेंगे, अगर किसी ने लाइबिलिटीज़ ले ली तो उसके ऊपर दिखा देंगे। कैसे कि यहाँ पर राम ने ले ली तो हमने क्या क्या रहा, राम के मैं अकाउंट में डाल दी क्या, यहाँ पे हमने दिखा दिया उसे मशीनरी टेकन, मतलब क्या उसने मशीनरी ले ली, कितने में ले ली, 18,750 रुपए में, जो अमाउंट में ली, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, टेकिंग स्टॉक बाय हरी, अब हरी ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया 22,500 का, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख लिया हमने स्टॉक, सॉरी स्टॉक नहीं, किसने लिया, हरी ने लिया, तो हमने हरी लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टॉक टेकिंग, ठीक है, कितने का ले लिया, 22,500 का। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर राम और यहाँ पर हरी, मैं क्या कहता हूँ हमेशा आपको, जो चलोगे वो क्रॉस मार्किंग में चलोगे सारी चीज़ें, ठीक, यहाँ पर राम और यहाँ पर हरी, अब यहाँ पर भी राम और यहाँ पर भी हरी है, लेकिन इस साइड में हम तो पोर्शन उठा के हम इस साइड में डाल देंगे, क्योंकि नाम आया है, जैसे हम कैश अकाउंट का बनाते हैं वैसे ही हम ये बनाएंगे कि यहाँ पर नाम आया है, और किस नाम से ले रहे हैं हम, रियलाइजेशन के अकाउंट से ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिया रियलाइजेशन अकाउंट, राम ने ले लिया 18,750 का मशीनरी, और स्टॉक ले लिया हरी ने 22,500 का। क्लियर पॉइंट।
यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 375, 375 रुपये के आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई कंपनी समाप्त कर रहे हो या पार्टनरशिप समाप्त कर रहे हो, उसका एंड कर रहे हो, तो उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो तो आपको चुकाने ही हैं, वो आपको चुकाने ही है कंपलसरी। और जो चुकानी चीज़ होती है वो कहाँ आती है, हमारी लाइबिलिटीज साइड में। तो आप याद रखेंगे, इसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे किस में, लाइबिलिटीज साइड में रियलाइजेशन अकाउंट कितने का था, 375 रुपये का। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे मेरी कितनी चीज़ें थी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 चीज़ें थी। आपने यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन दो क्या, एक तो मशीन ऊपर चली गई और स्टॉक ऊपर चला गया, तो टोटल यहाँ पे ही 5 हो गई, और यहाँ पे भी मैं कंबाइन करूँ तो 5 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन हो गया। अब एक चीज़ बताओ, मैंने सारी एसेट्स इस साइड डाली, तो लाइबिलिटीज़ जो भी है वो इस साइड डालूंगा। और लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ है, सिर्फ क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटीज़ में, आपको नीचे की तो गिननी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो किसी ने और ने ले लिया। तो आपको सिर्फ क्रेडिटर्स गिनना है यहाँ पे, कि क्रेडिटर्स मेरा कितने का दे रखा है, 11,250 का, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं देखा, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जो अमाउंट है वही अमाउंट उठा के इधर डाल देंगे। कैसे, अगर मैं कहता हूँ बिल्डिंग पे यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, बिल्डिंग आपकी 30,000 की है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखा बिल्डिंग पे, तो आप जितने की बिल्डिंग है आप उठा के इधर डाल देंगे। क्यों, क्यों, इधर 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए, वो बात अलग है, कोई ले ले तो उसे ऊपर दिखा देंगे, लेकिन जितनी अमाउंट है वैसे की वैसे ही रहेंगी सेम। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर मैं इसका सम कर लूँ तो इसका सम बैठेगा 11,625, और इसका सम कर लूँ तो इसका सम बैठेगा मेरा 56,625, ठीक है। लास्ट में क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ का टोटल करूँगा। अगर मैं इस दोनों तरफ का टोटल करूँ तो मेरा ये टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने क्या करा, हाईएस्ट टोटल को मैं दोनों तरफ लिख लेता हूँ, 10,91,25, 10,91,25, मतलब 1,09,125 रुपये, 1,09,125 रुपये। इस अमाउंट में से मैं ऊपर की दोनों अमाउंट, क्या, एक तो 93,000 और एक है 11,625, इन दोनों अमाउंटों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 4,500 रुपये बचेगा। तो इसे भी मैं किस नाम से दिखाऊंगा, भाई यहाँ पे जो भी देना है कैश में देना है, पैसों में देना, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ कोई लॉस नहीं, क्यों, जब मैं कंपनी समाप्त कर रहा हूँ तो एक बार को प्रॉफिट भी नहीं दिखाऊंगा मैं किसी को, और मैं अपना लॉस भी नहीं दिखाऊंगा, मुझे बस कंपनी बंद करने से मतलब है, क्या, कैश में, ठीक है। अब भाई कैश में है, मुझे किस किस में बटेगा, तीन ही पार्टनर है, यहाँ पर राम भी है, यहाँ पर हरि भी है, और यहाँ पर श्याम भी, यहाँ पे तीन पार्टनर हैं आपके, ठीक है। लेकिन राम को मिलेगा 6/15, हरि को मिलेगा 5/15, और श्याम को मिलेगा 4/15, किसका, 4,500 रुपये का, मतलब 4,500 का 6/15, 4,500 का 5/15, 4,500 का 4/15। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मेरा बैठेगा, एक को मिल गया 1,800 रुपये, दूसरे को मिल गया 1,500 रुपये, तीसरे को मिल गया 1,200 रुपये, टोटल मेरा हो गया 4,500 रुपये। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं कहता हूँ इस कैश को आप चाहे दिखा सकते हो बैलेंस के नाम से भी, चाहे कैश के नाम से दिखा दो, चाहे आप दिखा दो बैलेंस के नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखना, ये जैसे हम प्रॉफिट और लॉस होता था तो ट्रांसफ़र हम किस में करते थे, आप हमेशा याद रखना, किस में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहुँचेगा ये भी यहीं पर हमारा, ये सेम भी यहीं पहुंचेगा। आप इसे कैश अकाउंट के नाम से भी दिखा सकते हो या बैलेंस सीडी के नाम से भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। इस बैलेंस को उठा के हम किधर डाल देंगे, इस साइड में, किस नाम से, भाई कौन सा अकाउंट से ले रहे हैं, जैसे रिवॉल्यूशन उठाते थे वहाँ पे, यहाँ पे अब हम रियलाइजेशन से ले रहे हैं, तो हमने क्या करा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, और किसका, भाई एक को मिल गया 1,800, दूसरे को मिल गया 1,500, तीसरे को मिल गया 1,200। क्लियर, सेम एज अब सिंपल टोटल जैसा अभी तक हम करते थे। इसका सम करा मैंने तो बैठ गया 19,950, इसका सम करा मैंने बैठ गया 31,500, देन इसका सम करा तो 39,300। सेम अमाउंट ही हाईएस्ट है, हाईएस्ट को हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लिखने के बाद अब क्या, इधर तो कुछ भी नहीं है बैलेंस, नील बटे सन्नाटा, तो जो बैलेंस नहीं है तो हमने ये लिख लिया सेम अमाउंट, ठीक है। इधर 31,500 में से अगर मैं 22,500 माइनस कर दूँ तो 9,000 रुपये बचेगा, 9,000 का बैलेंस बन गया। 39,300 में से 18,750 माइनस कर दिया तो बचा 20,550, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। किस नाम से, कैश के नाम से। मैं बता दूँ जितनी भी चीज़ चलेगी यहाँ पे, आप बैलेंस वगैरह कुछ मत दिखाओ, मैं सब जगह आप कैश दिखाओ, क्यों, सारी ये जब कैश दिखाओगे तो कैश कहाँ ट्रांसफ़र होगा, भाई यहाँ पे इस कैश के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, इतना सा याद रखो बस। क्लियर,
पॉइंट, कोई डाउट नहीं। आपका यहाँ पे सिर्फ बैलेंस है इस समय, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ कैश आया हो सिर्फ इस बैलेंस को छोड़ के, सिर्फ इस बैलेंस को छोड़ के वहाँ वहाँ जहाँ कैश आया है बस क्रॉस मार्किंग कर देनी है उठा के। देखो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये कैश आ गया, टू कैश अकाउंट। तो क्या अगर हमने इस कैश अकाउंट को उठा के इस जगह डाल देते हैं, किस नाम से, कौन सा अकाउंट से ले रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से ले रहे हैं। तो हमने लिया रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपये का है भाई, टोटल अमाउंट कितनी है बाहर वाली 11,625 की, ठीक है। ये कैश खत्म। अब इसके जस्ट ही आगे कैश दे रखा है, इस कैश को जब ये साइड इधर दे रखी है तो इसे पहुंचा देंगे यहाँ पे, किस नाम से, कौन सा अकाउंट से ले रहे हैं, रियलाइजेशन से ले रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए का, 56,625 रुपए का, ठीक है भाई। क्लियर पॉइंट, ये चीज़ खत्म हो, यहाँ पर कहीं कैश नहीं है इसको छोड़ के, इसे मैं बैलेंस भी दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। देन पार्टनर्स कैपिटल की बात करूँ तो देखो कैश कैश ये रहा कैश, मिल गया कैश आपको। तो ये सब टू में है, टू में हम उठा के किधर डाल देंगे, बाय में। किस नाम से, तीन नाम है भाई, राम का राम में जाएगा, हरी का हरी में जाएगा और श्याम का श्याम में जाएगा। अमाउंट सेम वही रहेंगे जो दे रखे हैं, क्या 20,550, 9,000, 11,950, ठीक है। क्लियर पॉइंट आया था, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम इनका सम कर लें तो सम टोटल हमारा बैठेगा 61,125। आप सम करके देख लेना चाहें तो कैलकुलेटर में, ठीक है। सम बैठेगा हमारा 61,125। क्लियर पॉइंट, इसमें बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, देन आपका कैश अकाउंट, तीनों का सम कर लो इक्वल हो जाएगा। एक बार वो समझ लो डीपली, जितनी भी यहाँ पर चीज़ आएंगी एसेट्स में आपको टेबल वाली लेनी है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर चीज़ आएंगी वो भी टेबल वाली लेनी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपोजिट में ट्रांसफ़र कर दूँ कैश के नाम से, तो एडजस्टमेंट वाली यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगी और यहाँ पर भी एडजस्टमेंट वाली में, किसी भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, अगर नहीं दे रखी तो सेम अमाउंट उठा के उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे यहाँ पर एड्रेस पर कुछ नहीं था तो उसे उठा के अपने सेम अमाउंट में हटा दिया। दैन टोटल करा, टोटल करके उसका प्रॉफिट यहाँ पर जो भी कैश का बैलेंस बचा उसे हमने यहाँ पर बांट लिया, इस बैलेंस को उठा के हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, किस अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, उसमें से हमने फिर प्लस माइनस करके यहाँ पे कैश के नाम से दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कैश में, कि कैश में क्या, कैश में क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होगा वो, उसके बाद जहाँ जहाँ कैश आया जैसे यहाँ पे तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाय कैश तो टू में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद टू कैश अकाउंट के तीनों नाम यहाँ ट्रांसफर कर दिए, आपका आंसर इक्वल आ गया कैश अकाउंट का। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक बार क्या है, आपको सेम एज घर से भी क्वेश्चन मिलेगा, इस क्वेश्चन को पहले करना समझना, किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, उसे नोट कर लेना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ए और बी इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड इस रेशियो इज 9:16 and 7:16, मतलब ए और बी आपस में पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 9:7, ठीक है। उसमें क्या, फिर आपको उसने ये सारी चीज़ें बोल दी, क्रिएटर्स की अमाउंट 5,000, तो हम उठा के डायरेक्ट यहाँ डाल देंगे क्रिएटर्स की अमाउंट, ठीक। कैपिटल हमारी किस में पहुँच जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में। कैश का बैलेंस दे रखा तो कैश अकाउंट में पहुँच जाएगा। डेटर्स हमारा पहले तो सबसे पहले इस जगह शो करेंगे यहाँ पे, सेम अमाउंट से जो हमारी टेबल वाली अमाउंट दे रखी वो यहाँ पे, और उसे उठा के एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, वो मैंने समझा दिया आपको, पीछे करना क्वेश्चनों को, ठीक है। देन उसके बाद क्या दिया है, एडजस्टमेंट में पहुँचते हैं, ऑन ड्यू डेट द पार्टनरशिप इज डिसॉल्यूशन, दी तिथि पर पार्टनरशिप या साझेदारी का भुक समापन हो गया, कैसे कि एसेट्स के रियलाइज हुए सिर्फ 1,500 रुपए। तो मैं समझा दूं एक बार डीपली और हल्का सा, कि देखिए एसेट्स आपने यहां पे दिखाए हुए, आप टू किसके नाम से, संडी एसेट्स के नाम से, यहाँ पे तो 2,000 दिखाई, लेकिन यहाँ पे उसका रेट क्या होगा, 1,500 रुपये। तो यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे जब आप पहुँचोगे कैश के नाम से तो यहाँ पे आप दिखा दोगे 1,500 रुपये। क्लियर हो गया। प्रोविजन ऑन डेटर्स भी ऐसे निकल जाएंगे, रिसीव फ्रॉम स्टॉक भी ऐसे निकल जाएगा, फर्नीचर टेकन बाय बी, बी ने फर्नीचर टेकन कर लिया, तो पहले सबसे पहला तो आप फर्नीचर यहाँ पे दिखाओगे, और कोई भी पार्टनर कोई चीज़ ले लेता है तो उसे हम किस जगह दिखाते हैं, इस जगह बाय बी फर्नीचर टेकन, और इस बी को उठा के हम ट्रांसफर कर देंगे उसके बी के अकाउंट में। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट फॉर क्रिएटर्स, ये भी क्रिएटर्स पर डिस्काउंट निकल जाएगी। टोटल हमें क्रिएटर्स 5,000 के दे रखे हैं और उसने बोला 105 रुपये की डिस्काउंट दिखानी है, मतलब क्या कि 5,000 के क्रिएटर्स तो मैं यहाँ दिखाऊंगा और 105 रुपये यहाँ माइनस करके यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि 105 का डिस्काउंट मिला, 105 रुपये मिले नहीं है, डिस्काउंट मिला, तो जो कम मिला उसे माइनस करके यहाँ दिखा देंगे। क्लियर पॉइंट, क्वेश्चन को करना, नहीं समझ में आता तो कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और होप सो सभी को समझ में आ गया, तो अच्छे से खुद करने की कोशिश करना, ओके।